अस्सलाम वालेकुम बीबर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ हाईवे चिकन कढ़ाई। ठीक है जी, हाईवे चिकन कढ़ाई थोड़ी सी मुनफरद सी है। ये मैंने चिकन लिया है, ये टमाटर का पेस्ट लिया और ये मैंने अदरक लहसुन लिया। ठीक है जी, ये इसमें कुटी हुई मिर्चें जाएंगी और ये क्या सूखा धनिया कुटा हुआ जाएगा। इसको मैं ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, डाली जी ऑयल। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये चिकन डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये वीडियो मैंने, ये देखिए मैंने चिकन डाला है और चिकन को मैंने इसमें फ्राई होने के लिए रख दिया है। ठीक है, जब तक ये लाल नहीं होगा उस वक्त तक मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। ठीक है जी, अब इसको मैंने लाल होने के लिए रख दीजिए। ये जो चिकन है ये फ्राई हो जाएगा, अच्छी तरह लाल हो जाएगा, फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये व्यूअर्स देखिए, इसमें मैंने ये मसाले इस तरह डाल दिए। ठीक है जी, ये मैं नमक डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, ये मैंने नमक डाला, ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। ठीक है, ये मैंने प्लेन जो सादी लाल मिर्चें वो डाली हैं। सूखा धनिया डाला, ये वाला, ये मैं आधा सूखा धनिया ये कुटा हुआ डालूंगी इस तरह। ठीक है जी, और ये हल्दी मिर्चें इसी भी ले देते, ये मैंने इतनी सी काली मिर्चें डाल दी। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, इसमें हल्दी नहीं डालनी व्यूअर्स। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी और इसमें सब जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। ये व्यूअर्स ये देखिए, ये ज़ीरा डाल दिया इसमें मैंने, ये मैंने मिक्स करके रख दिया। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे डालना है। ठीक है, लाल हो गया, फ्राई कर दिया मैंने चिकन और ये देखिए मैं इसका जो फालतू ऑयल है ये निकालने लगी हूँ। ठीक है जी, ये निकाल लूँगी। ये देखिए ये फालतू ऑयल मैंने निकाल दिया। ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से भुना गया, रेड हो गया। अब इसके अंदर मैं ये मिर्चें डाल दूँगी फ्राई करने। ठीक है जी, ये मिर्चों के अंदर मैंने ये कट लगाया हुआ, ये देख रहे हैं, ये कट लगाया हुआ, ये मैंने कट लगा दिया हुआ। अब इसको इस तरह पकाना। ठीक है, तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूँगी। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं कुछ देर भूनूंगी। ये देखिए वीवो, ये जो अदरक लहसुन है ये थोड़ा सा भून जाए, फिर मैं इसके ऊपर ये टमाटर की प्यूरी डालूंगी और नमक मिर्च। ये इसमें मैंने ये टमाटर की, मैंने तीन टमाटर डाले। ये देखिए, ये देखिए, ये टमाटर डाल दिए। जब ये पक जाएगा अब मैं इसके अंदर ये मसाला भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये जो मसाला तैयार किया हुआ ये डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें तीन नींबू का जूस एंड में डालूंगी। ठीक है जी, आखिर में तीन नींबू का जूस डालूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं पकाऊंगी जब तक ये पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता टमाटर का। लीवर अब मैं इसको ना दम पे रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। 5 मिनट बहुत है। रसूलुल्लाह
देखिए ये तैयार होगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा ग्रेवी, ये देखिए मसाला कितना अच्छा बन गया, ये देखिए दानेदार मसाला और बहुत ही अच्छा मज़े का बना। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये लीमू, ये तीन मैंने लेमन लिए हैं, इसका जूस लिया है और ये मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है जी, ये अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितनी मज़े की होती है। बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर ये था हमारा आज का व्लॉग। आज हमने बनाया हाईवे कितने चिकन कढ़ाई बनाई है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाइएगा और इंजॉय भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी बहुत ही टेस्टी रेसिपी हाईवे चिकन कढ़ाई। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे शबनम का किचन नेम से फॉलो भी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, अल्लाह निगेबान।